इंदौर में युवा महाकुंभ 3 जनवरी को आयोजित होने जा रहा है। यहाँ युवाओं को जीवन में सुख समृद्धि और कोरोना काल में युवा बहुत डिप्रेशन में आ गए हैं और युवाओं को मोटिवेट करने के लिए यह आयोजन कराया गया है। यहाँ आयोजन में स्वामी विवेकानंद की थीम पर रखा गया है। विधायक आकाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा के दौरान युवा महाकुंभ का आयोजन के बारे में बताया। विधायक आकाश ने बताया कि यह आयोजन युवाओं के उत्साह को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इस आयोजन में हजारों युवा भाग लेंगे। इस आयोजन में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय चौहान और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान द ग्रेट खली रहेंगे। वहीं साथ ही इस कार्यक्रम की सज्जा स्वामी विवेकानंद की थीम पर रखी गई है, जिससे इस आयोजन में स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित करके युवाओं को प्रेरित करने हेतु यह आयोजन किया गया है। विधायक विजयवर्गीय ने कहा है कि यह आयोजन युवाओं को डिप्रेशन से निकालने के लिए किया गया है, क्योंकि डिप्रेशन में आकर युवा नशे की लत में कदम बढ़ा रहा है या फिर आत्महत्या का प्रयास करता है या फिर आत्महत्या कर लेता है। इसलिए युवाओं को डिप्रेशन से निकालने के लिए यह आयोजन किया गया है। नहीं, बिल्कुल कार्रवाई हो रही है, बहुत सख्त कार्रवाई हो रही है। हमारा पूरा प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एयरपोर्ट पे ही, ऐसा भी नहीं कि कोई मीटिंग लेके, जब पता लगा कि इस प्रकार से जिम्स में ट्रेनर्स गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ ट्रेनर मतलब युवाओं को ऐसे प्रोटीन के नाम पर ऐसा नशा दे रहे हैं जिससे वो आदी हो जाते हैं, और फिर जब उनके पास पैसे नहीं रहते वो और मांगते हैं तो वो बोलते हैं कि आप इसको बेचो। इस तरह का एक रैकेट सामने आया था जब मैं खुद वहाँ पर मौजूद था एयरपोर्ट पे, जब पुलिस के अधिकारी मुख्यमंत्री जी को बता रहे थे, तो मुख्यमंत्री जी ने एयरपोर्ट पे ही कलेक्टर DIG सबको स्ट्रिक्ट आदेश दिए कि जितना भी ये नशे का व्यापार चल रहा है सबको बंद कराएं। और आप देख सकते हैं रोज पेपर में हम पढ़ रहे हैं कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति नशे का व्यापार में लिप्त है उस पर सख्त कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। इसके लिए तो मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं, और यदि आपको आपकी जानकारी में ऐसा कुछ हो तो आप भी अवगत करा सकते हैं प्रशासन को, वो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। की वजह से जो लॉकडाउन हुआ और उसमें कई सारे व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हुए, एक जॉबलेसनेस, कई लोग मतलब जॉब से वंचित हुए, ऐसे समय में युवा डिप्रेशन में ना जाए, नशे आदि बुराइयों से ना जुड़े, बुरे विचार उसके मन में ना आए, अच्छे विचार आए, उसका माइंडसेट अच्छा हो, उसकी जो ऊर्जा है वो सही दिशा में लगे, इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम कराया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग यही प्रयास करेंगे कि एक युवा का सकारात्मक माइंडसेट बने और उसकी ऊर्जा सही दिशा में लगे। कार्यक्रम में हमने पूरे इंदौर के युवाओं को आमंत्रित किया है। कार्यक्रम 3 तारीख को 4 बजे अभय प्रशाल में होगा, 3 जनवरी रविवार शाम 4 बजे अभय प्रशाल में, और मुख्य वक्ता कार्तिकेय सिंह जी चौहान रहेंगे। विशेष अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय रेसलर द ग्रेट खली आ रहे हैं। हम लोग जो कार्यक्रम स्थल है उसको विवेकानंद थीम पे सजा रहे हैं। उनके कोटेशन, उनकी बातों का वहाँ पर बखान किया जाएगा, जिससे युवा को संबल मिले और आगे की दिशा मिले, जीवन की सही दिशा मिले, इसका हमारा पूरा प्रयास है। और हमारा ये स्पष्ट मानना है कि युवा यदि सफल है तो ही देश सफल हो सकता है, और इसीलिए हम लोग ये कार्यक्रम विशेषकर युवाओं पे फोकस करके कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है पूरे इंदौर में हमने तो जो हमारा नेटवर्क है युवा मोर्चा का, मेरी विधानसभा 3 का 3 और पूरे इंदौर में जो युवा मोर्चा का हमारा नेटवर्क है उसके माध्यम से सोशल मीडिया पे, फील्ड पे आपके माध्यम से हम सूचना दे रहे हैं। अब जितने भी लोग आए, मगर वहाँ पर वैसे तो 10,000 लोगों की व्यवस्था है, मगर चेयर सोशल डिस्टेंसिंग में लगी है तो लगभग 5-6 हज़ार चेयर्स वहाँ पर लगेंगी, और उसके बाद यदि आएंगे तो जो
सीढ़ियाँ जो बनी हुई हैं वहाँ पर बैठ सकते हैं, तो मुझे लगता है 7-8 हज़ार युवा तो रहेंगे। प्रदेश प्रवक्ता श्री उमेश जी शर्मा एवं हमारे कार्यालय मंत्री मुकेश जी मंगल चर्चा करेंगे। पहले माननीय विधायक जी अपनी बात रख देंगे, तत्पश्चात आप अपने क्वेश्चन कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।